कल देन हारी कल कविता कमाल की, बिकल बिहाल जन बाँचिके निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी। ठोंक ठोंक ताल कूदे के ते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई में ज्ञाना, रा हरि व्यापक संत शेखर कलिपावना अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज संचरिक भगवत भक्ति भूषण पूज्य गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, व्याप्त है सब में, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। भगवान सर्वत्र हैं यह जान लेना ज्ञान है। प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति तो प्रेम में होती है। घट घट साई रमि रहा सूनी सेज न कोए, बलिहारी वा सेज की जाघट परगट होए।
दूध में घी रहता है, यह सत्य है, यह पता लगा है। पर प्राप्ति तो तब होगी जो प्रीति पूर्वक विधि के साथ मंथन करके घृत को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, भगवान कहाँ मिलेंगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं आप कहाँ से प्राप्त करना चाहते हो, जहां से प्राप्त करना चाहो वहीं से मिलेंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि जब परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। किसी जिज्ञासु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि हवा भी तो सर्वत्र है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है। सब जगह रहने वाली हवा भी जैसे बिना पंखे के हमें प्राप्त नहीं होती, इसी तरह सर्वत्र रहने वाले परमात्मा की कृपा और उनके सानिध्य का एहसास बिना मंदिर के नहीं होता। इसीलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और यही वह ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। श्री राम जी को अपने जीवन का सर्वस्व मानकर यह कथा कही गई है। और इस कथा के शुभारंभ में ही वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बड़ी अद्भुत वंदना है वर्णों के संयोजन के लिए, अर्थ की उपलब्धि के लिए, रसों की सृष्टि को काव्य में प्रवाहित करने के लिए, छंदबद्ध करने के लिए, और इस काव्य के द्वारा जगत का मंगल करने के लिए, जन का मंगल करने के लिए। वंदे वाणी विनायकौ, मैं माता सरस्वती और श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। वंदना बहुत उत्तम है, किंतु प्रथम पूज्य तो श्री गणेश जी हैं, पर माता वाणी का उल्लेख पहले, श्री गणेश जी का उल्लेख बाद में। वाणी विनायकौ, श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि वाणी की वंदना पहले, फिर श्री गणेश जी की वंदना। क्यों? सरस्वती माता की कृपा से ही तो हम जानते हैं श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो जिनकी कृपा से हमने जाना उन सरस्वती माता की वंदना पहले, बाद में श्री गणेश जी की वंदना। बहुत सुंदर वंदना प्रकरण है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता भवानी, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, यह श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। इनके बिना हृदय में स्थित परमात्मा को सिद्ध पुरुष भी नहीं देख पाते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव को शिव स्वरूप जानकर मैं वंदना करता हूँ। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा वक्र है तो भी भगवान शिव ने इसको सिर पर धारण किया। किसी ने भगवान शिव से कहा कि टेढ़े चंद्रमा को आप शिरोधार्य करते हैं, क्या टेढ़े से आप भी डरते हैं? यह तो कलंकी है, टेढ़ा है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, और आपने इसे सिर पर बिठा रखा। शिवजी मुस्कुराकर बोले कि यह भले ही टेढ़ा रहे, भले ही कलंकी रहे, कितने ही अवगुण इसमें क्यों न रहें, लेकिन यह भगवान श्री राम के नाम से जुड़ा है,
भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा है। लोग जब बोलते हैं तो श्री राम चंद्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चंद्र बोलते हैं, तो कोई कितना भी टेढ़ा कलंकी क्यों ना हो, अगर वह भगवान के चरण भगवान के नाम से जुड़ा है तो उसका भार भी हम सिरोधार्य करते हैं। इसलिए भगवान शंकर चंद्रमा को माथे पर रखते हैं। और गुरुदेव भी, शिष्य में श्रद्धा हो तो कैसा भी टेढ़ा हो, कलंकी हो, अवगुण सिंधु हो, पर गुरुदेव ऐसे शिष्य को भी सिरोधार्य करते हैं। ऐसे भगवान शिव की वंदना। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणव, श्री सीताराम जी के गुण समूह का यह पावन वन, और इसमें विहार करने वाले कवीश्वर कपीश्वरव श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी, अथवा श्री हनुमान जी ही ऐसे कवीश्वर हैं, श्री वाल्मीकि जी जैसा व्यास कौन और श्री हनुमान जी जैसा श्रोता कौन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। तदनंतर उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति पालन प्रलय जिनकी शक्ति से होता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि के उत्पन्न करने की शक्ति, भगवान विष्णु को पालन करने की शक्ति और भगवान शिव को संहार करने की शक्ति जिनके कारण मिली है, जो सब में शक्ति रूपा होकर विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही जो शक्ति हैं वही श्री जानकी माता हैं। एक रूप यह भी है श्री जानकी माता के रूप में आदि शक्ति का पूजन भक्त जन करते हैं। सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जिनसे श्रेयस की प्राप्ति होती है, प्रिय मिलता है, ऐसे नतो हम, ये महिमा है कि इनकी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम वल्लभाम, श्री राम जी की वल्लभा हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे रब्रह्मः। जिनकी माया के कारण ब्रह्मादि देव असुर सब मोहित हैं, असत हो सत्य प्रतीत होते हैं जिनके कारण, वह है भगवान की माया। यत् सत्वाद मृषैव भाति, कैसे सकलम रज्जौ यथा हे रब्रह्मः, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए, ऐसे ही परमात्मा में जगत की भ्रांति है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भगवान शंकराचार्य कहते हैं, किंतु श्री तुलसीदास जी तो आद्य शंकराचार्य के श्रुति सम्मत सिद्धांत का ही वर्णन कर रहे हैं, पर श्री तुलसीदास जी उससे आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जिनकी माया से असत भी सत्य प्रतीत होता है, उनकी मैं वंदना करता हूं। किन राम जी की वंदना करता हूं? यत् पादप प्लवमेक में वही भवाम भोधे स्तीर शावताम, जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार करने के लिए। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, जिनका कोई कारण नहीं जो सबके कारण है, उन श्री राम नाम वाले भगवान की मैं वंदना करता हूं। अब एक ओर तो उस निर्गुण शाश्वत सिद्धांत का वर्णन किया और दूसरी ओर ये भक्ति भाव का वर्णन किया, और श्री शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, इसी तरह मणि रत्न माला एक छोटी सी पुस्तिका है,
उसमें श्री शंकराचार्य जी महाराज पहले ही श्लोक में कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए अवलंब क्या है। गुरु कृपालु कृपया वदई तद, हे कृपालु गुरुदेव उसका वर्णन करें। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, जगतपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार कर सकते हैं। और यही श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यत पाद प्लव मेक में वही भवाम्भोधे स्तीर सावताम। और इसीलिए रामचरितमानस कहता है, पायह ज्ञान भगति नहीं तजही। उस ज्ञान को पाकर भी जो भक्ति भाव में निमग्न रहते हैं, ऐसे लोक वंदनीय महापुरुषों की चरण धूलि से धरती धन्य होती है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। पुराण आगम निगम, इन तीनों का जो समन्वय है वह रामचरितमानस है। रामायणे निगदितम, लेकिन क्वचिद अन्योपि, कुछ अन्य भी है इसमें। महापुरुषों की वाणी आप्तवाक्यम प्रमाणम के आधार पर भी महात्माओं की वाणी का आदर किया गया है, और कुछ मुझे सूझा है वह भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है आपके लिखने का? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और कितनी अद्भुत बात है, जो अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखता है वह सभी के अंतःकरण को सुख देने वाला हो जाता है। जैसे दिया कोई अपने लिए जलाता है, पर उजाला तो उसका चारों तरफ हो जाता है। श्री तुलसीदास जी इस तरह वंदना करते हैं। आगे भी श्री गणेश जी की वंदना, भगवान विष्णु की वंदना, मोकम करोति वाचालम, इस श्लोक का भी भावानुवाद, मोक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, भगवान शिव की वंदना, और ये करते करते अंत में कहते हैं, बंदूं गुरु पद पदुम परागा बंदूं पदुम परागा बंदूं गुरु पद पदुम परागा बंदूं गुरु पद सुरुचि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बड़ा सुंदर संकेत है, नर रूप हरि, मानो श्री नरहरिदास जी की वंदना करते हैं, अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। रामचरित मानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपासों भई सुमति निहाल है, पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है।
गुरुदेव की वंदना करते हैं और गुरुदेव की चरण धूलि अंजन बन जाए नेत्रों के लिए और सूझे रामचरित मनि माने। तदनंतर धरती के देवता ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। वंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरणा, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। देखो चार तत्व हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और भगवान का अवतार भी चार के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और मानो इन चार का संबंध इन चार से है। पहले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा से ही धर्म जीवन में उतरता है, धर्ममय जीवन हम जीते हैं। और इसी तरह गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की कृपा से हमारे जीवन में अर्थ आता है, हम समृद्ध होते हैं। और देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि देवता हमें हमारे किए हुए सत्कर्मों के अनुसार इच्छित फल देते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है। तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा, धर्म की पूर्ति ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ की पूर्ति गौ माता के द्वारा, काम की पूर्ति देवताओं के द्वारा, और एक बचा मोक्ष। मोक्ष मिलता है संतों की कृपा से, इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित, ये चारों रहेंगे तो हमारे जीवन में यह चारों आ जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ब्राह्मणों की वंदना की गई, फिर संतों की वंदना करते हैं, और संतों को प्रयागराज बताया। मुदमंगलमय संत समाजु, मुदमंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है, तो प्रयागराज में गंगा जी हैं, संतों के जीवन में भी गंगा जी हैं। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी वरनी, करम कथा रवि नंदिनी वरनी। श्री राम जी की भक्ति ही जिन संतों के जीवन में गंगा जी के समान है। ब्रह्म विचार की सरस्वती जी प्रवाहित हो रही हैं, और विधि निषेध क्या करें क्या न करें, यह जो धर्म की व्यवस्था है यही श्री यमुना जी हैं। संतों के जीवन में यह तीनों ही होते हैं। अरे और तो और, विश्वास का वट वृक्ष है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और जो सत्कर्म किए जाते हैं यही तीर्थ राज में निवास करने वाले समाज का उल्लेख है, ऐसा वर्णन किया गया। और रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी अपनी विनम्रता का वर्णन करते हैं, और यह सब करते करते वे यहाँ तक कहते हैं, बंदों संत असज्जन चरणा, मैं संतों की वंदना करता हूँ
और साथ साथ असज्जनों की भी वंदना करता हूं। यह श्री रामचरितमानस ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें असज्जनों की वंदना, खलों की वंदना, बहुरी बंदी खलगन सति भाए, सज्जनों की वंदना तो एक बार पर खलों की वंदना दो दो बार। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा खलों की वंदना दो दो बार क्यों, श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सज्जन तो एक बार में ही मान जाते हैं पर खल दो दो बार वंदना करने से भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए। एक महात्मा हमारे बड़े श्रद्धेय संत थे, वो विनोद में एक बड़ा अच्छा अर्थ करते थे। वो मुझसे कहने लगे खल शब्द का अर्थ जानते हो, उनका महाराज आप बताओ। तो कहने लगे खल शब्द में दो अक्षर हैं ख और ल। हमने कहा इसका अर्थ, तो कहने लगे खल उसे कहते हैं जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े, बस। हमने कहा कि महाराज बड़ा अच्छा अर्थ है यह, तो ये और इसमें कहो कि जिसका खाए उसी से लड़े। और ऐसे खलों की भी वंदना, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं हम व्यंग में नहीं कर रहे हैं खलों की वंदना, बहुरी बंदी खलगन सति भाए, सच्चे हृदय से उनकी वंदना कर रहे हैं। ये बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना कारण दाएं बाएं होते रहते हैं, दाएं से बाएं, अनुकूलता से कब प्रतिकूल हो जाए इनका कोई ठिकाना नहीं। और सभी की वंदना करते हुए कहते हैं बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष नसावनी, सरजू नसावनी। श्री अवधपुरी की वंदना करते हैं, सरयू माता की वंदना करते हैं, और हम लोग भी एक भजन के माध्यम से श्री अवधपुरी की वंदना कर लें। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बहुत पहले पूज्य भाई श्री जी की कथा में एक भजन सुना गया था, मीठी रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, माने कारो कारो या खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। यह भजन जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा प्रिय लगा, और इसी भजन के आधार पर यह भगवान श्री राम जी की वंदना करते हुए अवधपुरी का भजन। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारु भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन
खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया, ओ खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मानु मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धाने लागे, रज धाने लागे, मान मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और श्री अयोध्यापुरी के इस महिमा गीत में वहां के स्थलों का वर्णन है। रंग महल स्थानों का नाम है। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मान मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धाने लागे, रज धाने लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर।